वो एक टेक्सटाइल कंपनी से जॉब ऑफर हुई है, उन्होंने कल इंटरव्यू के लिए बुलाया। माशाल्लाह, ये कैसे हुआ? नाजिश ने ऑनलाइन पोर्टफोलियो बनाया था, वही देखा है किसी ने। ये तो बहुत खुशी की बात है। अब तो तुम्हारी इद्दत पूरी हो चुकी है, तुम जॉब कर सकती हो। भाई अगर आप चाहें तो जाकर तस्दीक कर लें, उन लोगों से मिल लें। इसकी क्या जरूरत है? ए? जरूरत है ना, खुद ही तो कह रही है। वो भूल गए आप शायद पिछली जॉब पे क्या हुआ था। राफिया, क्या गलत कह रही हूँ? एक तो इसकी हाँ में हाँ मिला रही हूँ, ये कहे तो ठीक है, मैं कहूँ तो बस बुरा लग जाता है ना। इस घर में तो ना सुकून से इंसान नाश्ता भी नहीं कर सकता। तुम एक काम करो कि जाकर उनसे मिलो, अगर मुनासिब ऑफर लगे तो हाँ कर दो। तुम बेहतर तौर पर जानती हो हरीश, मुझे भरोसा है। कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक का केस, चंद महीने पहले उसने एक शख्स को गोली मारी थी, उस बेचारे ने डर के मारे अपना बयान ही वापस ले लिया। क्या नाम बताया था आपने उसका? सिकंदर वजाहत नाम है उसका। गलतियां किससे नहीं होती, अच्छा खासा पढ़ा लिखा आदमी है और वैसे भी उनके आपस में सुलह हो गई। इसी बात का तो फायदा उठाते हैं ये लोग। दंडनाता हुआ जेल से बाहर आ गया, न केस में पकड़, न बीवी पे तशद्दुद में पकड़। उस दिन आया हुआ था नाम बचाने के लिए अदालत खुला के केस में, वहां भी किसी की हिम्मत ना हुई कि उसको ठीक से डरा सके, धमका सके। हिम्मत है उसकी बीवी की जो इतने अरसे जिंदा रह गई उस घर में। वैसे ऐसे लोगों की कोई पकड़ दकड़ नहीं है आपके कानून में। इसे क्या हो गया? चलो ना, देर हो रही है, कम जाओ। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा कि मैं क्यों इनकार कर रही थी। क्या हुआ बाजी, क्या आपको तंग कर रहे हैं? बताओ लोगों को कि आप इज्जत से जाना पसंद करेंगे। सुलह रिश्तों में होती है, सौदेबाजी में नहीं। आपकी दरख्वास्त मंजूर की जाती है। क्या हुआ साहब? मैंने बुलाया, बुलाया मैंने बाहर। गेट आउट।
अरे घबराइए नहीं, बस कुछ बात करनी थी इसलिए आया। अंदर चलें, आइए अपना ही घर समझिए। बेटी कहाँ है आपकी, दिखाई नहीं दे रही। क्या मतलब है आपका? ऐसा ही हाल वाल पूछना चाह रहा था, इतना भी नहीं कर सकता। खैर देखिए, अरीज ने तो कर दिया जो उसे करना था और आप कुछ नहीं कर पाई, रोक भी नहीं सकी उसे, और जाते जाते अच्छी सीख दे गई सबको, खास तौर पे आपको। अब आप बताइए, ये अगर आपकी खुद की बेटी ने किया होता तो क्या कहती आप? सिकंदर साहब, मेरे सब्र का इम्तिहान मत लीजिए, मुझे जो कुछ कहना है बुरा भला भी कह सकते हैं, लेकिन मैं अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। वाह क्या बात है, पता है आज इस बात का अंदाजा हो गया मुझे कि रीज वाकई बेचारी इस घर में लावारिस थी, क्योंकि उसके मुतालिक बात करते हुए तो कभी इस माथे में एक शिकन भी नहीं आई। राज देखिए, फुल रोना धोना। क्या चाह रहे हैं आप? रीज अपने यहाँ नहीं है, मैं चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकती। ऐसा नहीं है, अब अपने आप को इतना भी कम नहीं समझे आप, अभी भी बहुत कुछ है आपके पास मुझे देने के लिए। पता है मेरे हिसाब से अगर आपकी एक बेटी ने मेरा नुकसान किया है तो उसका हर जाना तो दूसरी कोई भुगतना पड़ेगा ना। सिकंदर साहब, क्या हुआ? आवाज ऊंची करने का दिल कर रहा है, आवाज ऊंची करने से पहले इतना सोच ना कि जो पची कुछ इज्जत देके घूम रहे हो ना, यहीं इसी मोहल्ले में नीलाम करके जाऊंगा मैं। अरे डरो मत, डराने धमकाने कोई नहीं आए, बस तुम लोगों की किस्मत में लिखा जा चुका है कि तुम बार बार मेरा नुकसान करते रहो, और मैं बार बार आकर यहां तुम्हें इस बात का एहसास दिलाता रहूं कि तुम लोग मकरूज हो मेरे। अब जब तक मकरूज हो महफूज कैसे हो सकते हो? फिर चलता हूं, ज्यादा वक्त होता भी नहीं है मेरे पास, फिर मिलेंगे। अरीज, 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 ना सलाम ना दुआ, नौकरी क्या लगे, दिमाग ही खराब हो गया। हेलो नाजिश, आप
मुझे फौरन अरीज का नंबर चाहिए, अभी और इसी वक्त। लेकिन सर, मैं क्या कह रहा हूँ आप सब सुन रही हैं ना? मैं इस वक्त अरीज के घर के बाहर खड़ा हुआ और मैं उससे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। जस्ट गिव मी हर नंबर। I'm sorry सर, लेकिन मैं आपको अरीज की इजाजत के बगैर उसका नंबर नहीं दे सकती। अब क्या बोले चले जा रही है, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? ठीक है, आप अरीज को कॉल कीजिए कॉन्फ्रेंस पे, मैं सिर्फ उसे बात कीजिए, मैं चुप रहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जस्ट कॉल है। अच्छा नाज़िश, मुझे इस वक्त कोई बात नहीं करनी है। अरीज, वो अफ़ान साहब तुमसे बात करना चाह रहे थे। मत लिया करो उसका नाम मेरे सामने। भूलने क्यों नहीं देते हो तुम लोग मुझे कि वो कभी मेरी जिंदगी का हिस्सा था, या वो सब कुछ जो उसकी वजह से हुआ, किस हक से मेरे सामने आया था वो? हाँ, क्या चाहता है अब मुझसे? उसके चेहरे में मुझे अपनी तबाही नजर आती है, अपना सिसकता हुआ हर दिन, अपनी हर रात नजर आती है, जो पूरी नहीं हो सकती वो ख्वाहिशात नजर आती है। और नाज़िश, हम जैसों को ना ख्वाब देखने का हक है, ना ख्वाहिशें पालने का। इसलिए भीख मांग रही हूं तुमसे, कह देना अपने सर से कि मेरे सामने आज के बाद आने की कोशिश मत करें। सुन लिया तुमने? अरे जल्दी कर, 10 बजे की गाड़ी है, जितना जल्दी जाएंगे उतना ही बेहतर होगा। बता रही हूँ, हमारी एक एक सांस पर उसकी नजर है। क्या पता था कि एक दिन ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा ही होता है अम्मी, इसे ही मकफाते अमल कहते हैं। चुप कर, ये सब कुछ मैं तेरी जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए कर रही हूँ, और तू मुझे पे लानतान भेज रही है। पता भी है, किसी भेड़िया से कम नहीं है वो। कितने भेड़ियों से बचाएंगी अम्मी आप मुझे? हाँ, यहाँ से आगे जाके न जाने कितने भेड़िये मेरे इंतजार में खड़े होंगे। किस किस से लड़ेंगी आप? अभी सिकंदर से भाग रही हैं, इस घर से भाग रही हैं, लेकिन अपने जमीर से कब तक भागेंगी अम्मी आप? वो तो आपके साथ ही रहेगा ना। अच्छा ही होता मैं तुझे बकार के घर छोड़ देती, तू इसी काबिल थी। जल्दी कर, देर हो रही है हमें। चल। ये क्या है, इसमें क्या है? आप ही की अमानत है, मेरे साथ जाएगी। वालेकुम अस्सलाम। खाना लगवाऊं? आपने खा लिया? तो फिर साथ खा लेते हैं।
मुझ में तो अब तुमसे नाराज होने की भी ताकत नहीं है, थक चुकी हूं मैं। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? क्या तुम्हारे चेहरे पे पहले जैसी खुशी अब मैं कभी नहीं देख पाऊंगी? मैं पहले जैसा रहा कहा? मेरी खुशी तो किसी और की खुशी के साथ जुड़ गई है। आखिर कब तक उसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे तुम अफान? जिसकी अपनी जिंदगी बर्बाद हो गई है उसको क्यों इतना बड़ा इल्जाम दे रही है? मम्मी अरीच की और भाई की तलाक हो गई है। क्या अरीच अपने भाई के घर वापस आ गई है? अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो आप मुझे देंगे? आप पहले से ही मुझसे नाराज हैं, थोड़ा सा नाराज और हो जाए। क्या कहना चाहते हो? मैं चाहता हूं आप मेरा रिश्ता लेके अरीच के घर जाए। होश में तो हो तुम? क्या पागल हो गए हो? सोचा भी कैसे तुमने ये? इसमें प्रॉब्लम क्या है? अब तो वो किसी के निकाह में नहीं है। तलाक याफ्ता है वो, तुम्हारे भाई के निकाह में रह चुकी है। ये सोच आपको सो क्यों नहीं जवाब मुझे ईमन से रिश्ता बांधने को कह रही थी? वो भी तो भाई के निकाह में थी। अब तो ईमन और अरीज में कोई फर्क नहीं रहा, लेकिन अरीज के लिए पता नहीं ये सब क्यों कह रही है। मेरे दिल में अरीज के लिए कभी कोई खोट नहीं था, तुम जानते हो वो मुझे शुरू से पसंद थी। तो फिर जाए ना उसके घर मेरा रिश्ता लेके, प्लीज प्लीज इस बार मेरा साथ दे। और सिकंदर, वो छोड़ देगा तुम्हारा पीछा, तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश नहीं करेगा। और हेमन, वो कैसे रिएक्ट करेगी बोलो? परेशान हो जाएगी वो। शायद ऐसा ना हो, या शायद ऐसा हो भी जाए कि मेरा अल्लाह की जात पे पूरा यकीन है और मुझे पता है कि मेरी नियत बिल्कुल साफ है और जो लोग सबका भला चाहते हो उनके साथ बुरा कभी नहीं। ट्रस्ट मी। भैया क्या सोच सोच के गाड़ी चला रहे हो, थोड़ा तेज चलाओ ना। आपके कोई जानने वाले भी साथ आ रहे हैं क्या? क्या क्या मतलब? एक बाइक काफी देर से हमारे पीछे। या अल्लाह, मुझे तो पहले ही पता था। अरे भैया किसी भी तरह से हमें रेलवे स्टेशन तक पहुंचा दो, अरे थोड़ा पहले उतार देना। जी बिल जी अब। सुहेल भाई से कहिए ना कि कभी चक्कर लगाए इस तरफ, काफी अरसा हो गया उनसे मिले हुए। उनके पास तो हमसे मिलने की भी फुर्सत नहीं है, एक पांव इधर तो एक पांव उधर, कभी इस ट्रिप पे कभी उस ट्रिप पे, कैसे आ सकते हैं वो? अरे इन सब की क्या जरूरत थी? कोई बात नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी है, है ना? आओ बैठो बेटा। नहीं वो अहमद जाग गया तो उसके पास बैठूंगी। हाँ हाँ ठीक है जा। बहनों वाला मशवरा दूंगी आप लोगों को, कब तक बिठा के रखोगे इसे? जो हो गया सो हो गया, ऐसा ना हो कि एक दिन पछताना पड़े तुम्हें। शादी की बात कर रही हूँ मैं। भाभी अब एक गलती से निकलकर दूसरी गलती कर देना ये कहाँ की अकल बनती है? अभी इत्मीनान से बैठी हुई है, काम करना चाहती है और मैं खुद भी यही चाहता हूँ कि इसका जो जहन है वो दूसरी तरफ लगे।
लो भाई, अब तो बात करने का कोई फायदा ही नहीं बचा। नहीं नहीं भाभी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आखिर कभी ना कभी तो शादी करनी ही पड़ेगी ना। अगर तुम लोगों का इरादा हो ना, एक बहुत अच्छा रिश्ता है मेरे पास, बहुत खुले दिमाग के लोग हैं। लड़की की तलाक होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाभी, अरीज जिसकी जिंदगी में भी जाएगी, उस शख्स की खुशकिस्मती होगी। पूरी दुनिया जानती है कि तलाक क्यों ली गई है। मेरी बहन इतनी कोई मामूली नहीं है। ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। काफी देर हो गई, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। नहीं नहीं, कुछ कुछ खा के तो जाइए ना, ऐसे कैसे। अरे अब देर हो रही है, फिर कभी सही, फिर आऊंगी। ठीक है, अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन सा तरीका था बात करने का? ऐसे लोगों से इसी तरह निपटा जाता है। और मैं नहीं चाहता कि इस ज़हनियत के लोग मेरे घर के आसपास भटकते हुए भी नजर आएं। सोच समझ कर दोस्तियां किया करो। जी। भाई, जो हुआ उसे जाने दें, आगे के बारे में सोचें। आपका एक नाम है, एक पोजीशन है, जो आपके गुस्से की वजह से दोनों ही खतरे में। भाई आप फिर गुस्सा कर रहे हैं, मैं गलत नहीं कह रहा। मार्केट में हमारे शेयर्स की वैल्यू कम हो रही है, पुराने लोग हमें छोड़कर जा रहे हैं और नए आने को तैयार नहीं है। ये बता, मुझसे क्या चाहते? भाई मैं आपका भला चाहता हूँ। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आपसे बेहतर बिजनेसमैन कोई नहीं है। सो प्लीज समझदारी से काम लें। आ रही। कहाँ जा रही हो? अम्मी बस आ रही हूँ, आप फिक्र नहीं करें, कुछ नहीं होगा, परेशान ना हो। अच्छा, ज्यादा दूर मत जाना। मैंने ये बनाया, दूसरा मैं स्लाइड करके देख लूं। ये वाला। हेलो, आप ही? साहिबा, कहां से बात कर रही हो तुम? स्टेशन से। स्टेशन से? हम लाहौर जा रहे हैं आप खाला के पास। यहाँ पे हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बस जाने से पहले आपकी आवाज सुनना चाहती थी। क्या? लेकिन अचानक? भाभी, वो सिकंदर तो बहुत ही घटिया शख्स निकला। लेकिन आप मेरे लिए परेशान नहीं होइएगा। आपने उसको छोड़ के अपनी जिंदगी का बेहतरीन तरीन फैसला लिया है, वो इसी काबिल था। क्या किया अब उसने? कुछ नहीं, आप ही अब बस अम्मी को मेरे नाम से धमका रहा है। लेकिन आप परेशान ना हो, वैसे भी यहाँ पे लोगों की हम पे बहुत नजरें थी। बेहतर यही होगा कि मंजर से कुछ दिन के लिए गायब हो जाए। साहबा, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। चाहती तो मैं भी यही हूँ आप ही, लेकिन अब पता नहीं कब मुलाकात होगी। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।
अरीज क्या हुआ है? अरीज सब कुछ बर्बाद हो गया है नाजिश, मेरी वजह से मेरी बहन दरबदर हो गई है, उस सिकंदर की वजह से शहर छोड़कर जा रहे। अरीज इधर देखो, इधर देखो, मेरी बात सुनो। तुम कब तक खुद को कसूरवार ठहराती रहोगी? तुम्हारे साथ कौन सा अच्छा हुआ है? ये सब कुछ ना तुम्हारी अम्मी का किया धरा है, और मुझे अफसोस है कि साहिबा को इस सब से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन हम और क्या कर सकते हैं। और एक बात ना हमेशा याद रखना, वो ये जो कुछ भी करेगा ना सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए करेगा। तुमको उकसाने के तरीके ताकि तुम बिलकती हुई वापस उसके पास जाओ, और कुछ नहीं है। हिम्मत से काम लो अरीज प्लीज, और रहम करो खुद पर भी और अपने आसपास के लोगों पर, जो शायद इतने भी बुरे नहीं है। साहब आपसे मिलने कोई लड़की आई है इस वक्त? क्या नाम क्या बताया साहब? उन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया, अगर आप कहें तो अंदर बुला लूं। अरे नहीं रोको, मैं आ रहा हूं। अकेली है या साथ में है कोई? नहीं साहब अकेली है। ठीक है आ रहा। काश मेरी जिंदगी तबाह करने से पहले भी तुम इतने ही परेशान होते जितने आज हो। एमन चलो, एटलीस्ट मेरा नाम तो याद है तुम्हें। जहां से आई हूं वहां शायद वापस ना जा सकूं, मगर मुझे तुमसे आज एक सवाल पूछना था। मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या हासिल कर लिया तुमने? अम्मा को पता है कि तुम यहाँ आई हो मेरे पास? मैं बहुत दिन पहले वो घर छोड़ चुकी हूँ, कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ, मगर मैं बहुत कुछ जानती हूँ जिसे सुनकर तुम्हारी परेशानी में इजाफा हो जाएगा। बहुत कुछ सुना है तुम्हारे बारे में, कभी खबरों में कभी लोगों से। लगता है शादी रास नहीं आती तुम्हें, तुम यहां रात के इस पहर ये कहने आई हो मुझसे? नहीं, मैं यहां सिर्फ ये देखने आई हूं कि दूसरों की जिंदगी का सुकून बर्बाद करने वाला क्या खुद सुकून में है। जवाब मिल गया मुझे,
कहाँ जा रही हो? पता नहीं। देखो रात बहुत हो गई है, रात रुक जाओ, सुबह चली जाना। नहीं देखो, मैं जिद नहीं करना चाहता, फिर तुम कहोगी बदतमीज इंसान हूं मैं। जानता हूं तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता कायम नहीं है, पर एक नाता ऐसा है जिसे छुटला नहीं सकती तुम। कजन हो मेरी, चाचा की बेटी, इसी नाते से कह रहा हूं, आज रात रुक जाओ, सुबह चली जाना। वैसे भी दिख रहा है कि अंदर बहुत कुछ दबाए बैठी हो, बहुत कुछ कहना चाहती हो, तो क्या बुराई है अगर दो लोग एक दूसरे के सामने अपने दिल का हाल कहते हैं? मन हल्का हो जाएगा ना। असलम साहब, मैडम को गेस्ट रूम में ले जाए। क्या बात है दिल में? कह दे। ठीक तो होगी ना बेटे? बिल्कुल ठीक होगी, मेरा दिल कहता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उसको आपकी परेशानी का कोई अंदाजा नहीं है। क्या उसे नहीं पता होगा कि आप किस परेशानी के आलम में हैं? मम्मी, मैं कल की बात मुकम्मल करना चाहता हूं। मैंने रीच का नंबर फॉरवर्ड किया आपको। क्या तुमने नाजिश को? नहीं, मैंने नाजिश से कोई बात नहीं की। ऑफिस के रिकॉर्ड में उसका पुराना नंबर था तो वहां से निकाल लिया था, क्योंकि वो हम में से सबसे पहले रीच की बात सुनेगी और मानेगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन है। और तुम्हें यकीन है कि तुम रिश्ता भेजोगे और वो मान जाएगी? लोगों से कहती फिरती है कि मुझसे नफरत करती है। जिस दिन मेरी आंखों में आंखें डाल के कह देगी ना, उस दिन उसे भूल जाऊंगा। लेकिन तब तक उसे हासिल करने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं इस पछतावे में नहीं जीना चाहता कि शायद खुशी मुझसे दो कदम दूर थी और मैं पीछे रह गया। मेरे बच्चे, ये देखें, ये इस टाइप के होंगे, ठीक है ना? ये पकड़ो तुम, इस टाइप का, ये सारे डिजाइन, ठीक है ना? इस साल भी बिल्कुल ऐसे ही बनेंगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज आएगा उसमें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। ये कब के हैं? सर ये मैंने पिछले साल के प्रिंट्स दिखा रही थी ताकि इन्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। इनका काम अभी देखा नहीं है आपने? आप सबसे बेहतर आइडियाज हैं इनके पास।
इसलिए प्लीज कंफ्यूज ना करें। मैंने अरीज को डिजाइनिंग डिपार्टमेंट के लिए हायर किया है और मेरी ख्वाहिश है कि ये जल्द से जल्द अपना काम शुरू करें। ओके। ये सब दिखा के बर्दाश्त ना करें प्लीज। आप आइए मेरे साथ। जी सर। तेरी खाला का सिर्फ घर नहीं बड़ा, उनका दिल भी बहुत बड़ा है। पापा, अरे यूं अचानक मुझे बता दिया होता मैं खुद आ जाती तुम्हें लेने के लिए। हाँ बात ही कुछ ऐसी थी। अच्छा अब आ गई हो तो आओ अंदर आ जाओ। देख लिया तुमने अपना कमरा, कोई मसला तो नहीं है ना? जी नहीं खाला। रे साहिबा, खालू को सलाम करो। जी। अस्सलाम वालेकुम खालू। वालेकुम सलाम। जीती रहो साहिबा बेटी। भाई मैं तुम लोगों के बारे में अक्सर पूछता रहता था, अब तुम लोग आ गए हो तो बहुत अच्छा लगा। भैया कैसी तबीयत है अब आपकी? बस आपके सामने ठीक हूँ। बस जो है तुम्हारे सामने ही है, अब तो ये काम करने की भी काबिल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो सब कुछ था तुम्हारे नाम कर दिया, ये भी तो बताओ ना बुटीक कैसी बन गया? हाँ अभी तो बुटीक बनी है, सेटल होते होते टाइम लगेगा, बस जमीनों से थोड़ा बहुत आ जाता है और गुजारा हो जाता है हमारा। अब तुम लोग आ गए हो।